और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वक्त, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है, नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही थे, और आज भी वही सोच देखने को मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है, एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर
एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले कार्यकाल में हमने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रकार से सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया, ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप देकर के आगे बढ़ाए। टैक्स व्यवस्था आसान हो इसके लिए जीएसटी जैसे निर्णय लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सब ने